नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का हम लोगों का विषय है मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता के नाम में त्रुटि के संदर्भ में। दोस्तों एक वीडियो मैंने इसके पूर्व बनाया था जिसमें मुझे तमाम प्रकार की त्रुटियों का कमेंट आया, तब मुझे जानकारी हुई कि कैसी कैसी त्रुटि हो सकती है, तो इसलिए दूसरा वीडियो है। अब इसमें बताऊँगा कि कौन सी ऐसी त्रुटि है जिसको संशोधन आप लोगों को अनिवार्य है कराना, और कौन सी ऐसी त्रुटि है कि जो कि यदि संशोधन नहीं कराएंगे तब भी काम आपका बन सकता है। दोस्तों पहली बात समझ लीजिए कि यदि जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, उसके नाम में अगर त्रुटि है तो वह क्षम्य नहीं है। उसके नाम की जो त्रुटि है उसको संशोधन कराना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे किसी का नाम है अरविंद कुमार यादव, हाई स्कूल में है अरविंद कुमार यादव, इंटर में मान लीजिए अरविंद यादव हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया अरविंद यादव या अरविंद कुमार हो गया, तो जो छूट रहा अरविंद कुमार यादव यह सभी सर्टिफिकेट और मार्कशीट में यह होना चाहिए, यहाँ तक कि आधार कार्ड में भी होना चाहिए और पैन कार्ड में भी होना चाहिए। दोस्तों क्योंकि पहले तो जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और आधार कार्ड भी नहीं था, तब थोड़ी बहुत त्रुटि को लोग देख नहीं पाते थे, काउंसलिंग में उतना ध्यान नहीं दे पाते थे और काम हो जाता था। लेकिन अब इतना वेरिफिकेशन होता है कि कहीं से भी अगर पकड़ में आता है तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे इतनी समस्या नहीं खड़ी होगी कि आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि कहीं से अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए अगर आप तहसील से बयान हल्फी बनवा करके ले जाते हैं उस त्रुटि को इंगित करते हुए, तो आपको कुछ समय दिया जाता है संशोधन के लिए। मार्कशीट में संशोधन करने के लिए आपको समय 1 महीने का 2 महीने का विभाग दे देता है। लेकिन वह स्थिति न आए उससे बचने के लिए हम लोग पहले से ही अपने आप को तैयार कर लें, अपने सर्टिफिकेट को सही बना लें जिससे कि हमको कहीं कोई दिक्कत ही न हो। तो अगर कैंडिडेट के नाम में कोई त्रुटि है तो उसको आप लोग संशोधन करा लीजिए। अब उसमें स्पेलिंग में अगर कहीं कोई एकाध अंक इधर या उधर हो गया हो नाम में, समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ई के स्थान पे ए हो गया, थोड़ा बहुत अगर माइनर है तो चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है अगर निगाह नहीं पड़ती है तो। लेकिन सही तो यही रहेगा कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि न हो, कोई स्पेलिंग में भी कोई त्रुटि न हो। अब पिता और माता के नाम में यदि स्पेलिंग में थोड़ी बहुत अगर त्रुटि है तो वह माइनर त्रुटि है, उस पर बहुत ज़्यादा आपको खतरा नहीं होगा, समझ रहे हैं, उस पर उन लोगों की निगाह भी नहीं जाएगी, उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी का सलूशन तो बयान हल्फी है, उसको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कहीं कोई समस्या आती है तो बयान हल्फी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप देख रहे हैं कि हमारी कुछ कमी है मार्कशीट में तो उसके लिए काउंसलिंग में जाइए, तो आप बयान हल्फी बना करके ले जाइए तहसील से, स्टैम्प पेपर पे वो बनता है, लिख देते हैं पूरा, वकील से लिखवा लीजिएगा या स्वयं लिख करके नोटरी करवाना पड़ता है। आप देखिए पिता के नाम की त्रुटि, जैसे पिता के नाम में आधार कार्ड में मान लीजिए राम प्रसाद लिखा हुआ है और जो अभ्यर्थी है उसके मार्कशीट में राम प्रसाद यादव लिखा हुआ है, अब वहाँ राम प्रसाद लिखा हुआ है, तो यह कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है। क्योंकि आप लोग समझ लीजिए कि आधार कार्ड में माना जा रहा है कि बहुत सी त्रुटियाँ अभी भी हैं, बहुत से लोगों में त्रुटियाँ हैं, कि जैसे टाइटल संबंधी त्रुटि की बात कर रहा हूँ, जिसे राम प्रसाद यादव या राम प्रसाद, तो नाम तो राम प्रसाद ही है, अगर वेरिफिकेशन होगा तो राम प्रसाद के नाम पर जाएगा, और यादव हैं तो उनकी जात में यादव रहेगा भी, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये तो उदाहरण स्वरूप यादव बता रहा हूँ, कोई भी जाति हो तो यह कोई बहुत खतरा वाली बात नहीं है। लेकिन अब कुछ लोगों के पिता का नाम ही अलग है और मार्कशीट में अलग है, कुछ ऐसा केस आया था हमारे सामने कमेंट में कि पिता का नाम एकदम अलग है, बात आप समझिए। अब उदाहरण स्वरूप में बता दे रहा हूँ कि जैसे मार्कशीट में राम प्रसाद लिखा हुआ है,
अभ्यर्थी के पिता का नाम राम प्रसाद लिखा हुआ है और उनके आधार कार्ड में है राजेंद्र। अब यह बताइए, राम प्रसाद और राजेंद्र एक व्यक्ति तो हो नहीं सकते हैं। तो अगर मार्कशीट में राम प्रसाद है और उनके आधार कार्ड में राजेंद्र है तो वो एकदम यह काल्पनिक व्यक्ति हो गए। तो इस प्रकार की त्रुटि तो एकदम क्षम्य नहीं है, समझ लीजिए। सेम होना चाहिए, अगर मार्कशीट में जो नाम है पिता का वह उनके दस्तावेज में भी नाम होना चाहिए। अगर राम प्रसाद है तो राम प्रसाद हो, भले राम प्रसाद यादव हो उसमें राम प्रसाद लिखा हो। टाइटल अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें खतरा नहीं है। जैसे राम प्रसाद यादव और राम प्रसाद, तो मेन तो राम प्रसाद है ना, तो राम प्रसाद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि राम प्रसाद के जगह राजेंद्र हो। वही चीज़ माता के नाम में भी आप ले लीजिए, जो पिता के नाम की बातें हैं वही माता के नाम है, कि माता का नाम भी क्या होना चाहिए, जो मार्कशीट में है वही उनका वास्तविक नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्कशीट में नाम कुछ हो और माता पिता के आधार कार्ड में नाम अलग हो। तो अगर ऐसा मिस्टेक है तो उसको संशोधन करा करके सही करा लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों के वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि कोई और प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सलूशन ढूंढ करके बताया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।